नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल को कर्ण की नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर प्रतिदिन दानवीर राजा कर्ण अपने शरीर के वजन के बराबर सोना दान किया करते थे। लेकिन आपको बता दें कि करनाल में ऐसे बहुत से लोग जो राजा कर्ण के पद चिन्हों पर चलकर ना केवल दान करते हैं बल्कि ऐसे बेजुबानों की सेवा भी करते हैं जो अपनी पीड़ा बताने से महरूम है। ऐसी ही एक करनाल की महिला है जिनका नाम मीनाक्षी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीनाक्षी बेजुबान जानवरों की सेवा में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देती है। बेजुबान जानवर जख्मी है या फिर कोई इनके पास उनको छोड़ आए तो वह अपना सारा समय इनकी सेवा में लगाती है। अब इनके साथ इनकी पूरी टीम है जो जख्मी और बेजुबान जानवरों को आसरा उपलब्ध करवाती है। आसरा कहीं और नहीं, मीनाक्षी का अपना घर ही है जहां यह जानवर रहते हैं। खास बात यह है कि यह जानवर जिनमें अधिकतर कुत्ते और उनके बच्चे हैं, आपस में कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं दिखाई देते बल्कि यह है कि गली में चौकीदारी का काम करते हैं। अनजान व्यक्ति को देखकर यह भौंक देते हैं तो अपने को देखकर दुलार भी करते हैं। मीनाक्षी व उनकी टीम के द्वारा इन सभी जानवरों का प्रारंभिक स्तर से लेकर अंत तक का टीकाकरण भी किया जाता है और उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाता है। मीनाक्षी और उनकी टीम द्वारा प्रतिदिन करीब 1000 जानवरों को भोजन दिया जाता है। यह भोजन मीनाक्षी के द्वारा नहीं बल्कि करनाल की निर्मल कुटिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बारे में मीनाक्षी का कहना है कि जो लोग जानवरों से नफरत करते हैं वह गलत कर रहे हैं। जानवर भले ही बोल ना सकते हैं लेकिन दिल उनका भी धड़कता है, चोट लगने पर दर्द उन्हें भी महसूस होता है। इसलिए जहां तक हो सके इन बेजुबानों को दर्द ना पहुंचाए। मीनाक्षी की टीम के सदस्य इन बेजुबानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं। इन्हें समय समय पर दवा भी मुहैया करवाई जाती है। खास बात यह भी है कि मीनाक्षी के घर में रह रहे सभी बेजुबानों से उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। सब मीनाक्षी की तारीफ भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज के इस समय में जब इंसान इंसान के काम नहीं आता तब मीनाक्षी बेजुबानों के काम आती है। यदि यह कहा जाए कि मीनाक्षी माँ बनकर इन बेजुबानों की मदद करती है और उन्हें अपना समझकर आशियाना और खान पान मुहैया करवाती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीनाक्षी का समाज के नाम संदेश यह है कि यह जानवर है, बेजुबान है लेकिन दिल और धड़कन इनके पास भी है। भले ही आम इंसान को इनकी भाषा समझना आती हो लेकिन जो व्यक्ति इनकी भाषा समझ लेगा वो इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जानवर दुर्व्यवहार का नहीं प्यार का भूखा होता है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 के पास जाट भवन के सामने एक गली में। मैं आपको बता दूं कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जब इंसान इंसान के काम नहीं आता, इंसान इंसान की मदद नहीं करता, इंसान इंसान को अगर मरता तड़पता छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन करनाल की नगरी, करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे दानी सज्जनों की कमी नहीं है कि जो कि दान तो करते ही करते हैं, दूसरों की समाज, दूसरों की सेवा भी करते हैं। और मेरे साथ आज बात करने के लिए विशेष तौर पर एक ऐसी महिला मौजूद है जो इंसानों की सेवा तो करती करती हैं साथ ही साथ बेजुबान जानवरों की सेवा भी करती हैं और वो यह सेवा कुछ समय से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैडम, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। मैम, आपका शुभ नाम? मीनाक्षी शर्मा। मैम, आप ये बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं, कुछ लोग आपके पास छोड़ भी जाते हैं, ये ऐसा काम आप कब से करते आ रहे हैं? ये मैं 27 सालों की थी तो मैंने थोड़ा बीमार पड़ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठीक हुई मैं, चलो घूम के आते हैं। तो मैं ऐसे ही चली, बारिश हो रही थी तो देखा एक बीच अपने बच्चों को समेट रही है, बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने सोचा इसको छतरी इसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा बारिश से बच जाएगी। सामने एक बेटा देख रहा था, कह रहा आंटी आप, हमें तो डर लगता है इनको हाथ लगाने से, आप उठा के रख सकते हो तो यहाँ रख दो। बस तब से मैंने उनको रखा, वो जब भी मैं जाती हूँ मेरे पैरों को चूमती, मतलब अपनी तरफ से थैंक यू बोलती थी। तो फिर मेरे को ऐसा एहसास होने लग गया कि हमें घर की ज़रूरत है, हम बारिश से बच के अपने घर में जाते हैं तो इनको भी ज़रूरत है। तब से मैं इनके घर बनाने लग गई।
और ऐसे आस्ते आस्ते मेरा इनसे प्यार होने लग गया। देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरह एक बीमार थी, कहीं जा रही थी, तो इन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को, जो कुत्ते के बच्चे जिनको हम कह सकते हैं, पेट्स जिनको हम कह सकते हैं, वो भीग रहे थे, तो इन्होंने वो छतरी दे दी उनको। छतरी देने के बाद उसके बाद जब ये वहाँ पर जाती थी तो वो थैंक यू बोलने के लिए इनके पैर चूमती थी, तब से इनका लगाव उनके प्रति बढ़ता गया। तो इनके मन में यह एहसास आया कि अगर हमें इंसानों को घर छत की ज़रूरत है तो इन जानवरों को भी छत की ज़रूरत है। तब से इनके मन में उनके प्रति और प्यार बढ़ गया और इन्होंने उनके लिए छत का, घर का और खुले आसमान के नीचे वो नहा रहे हैं, इनके लिए ऐसा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मैडम, जो बीमार पेट्स होते हैं उनके लिए आप कैसे करते हैं? उनको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अपने घर में ला के उनकी देखभाल करते हैं, खाना पीने का सब करना पड़ता है। ये तो नहीं है कि उनको बीमार है इंजेक्शन लगा के कहीं छोड़ दो, ये तो गलत है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है किसी की मदद की, ऐसे इनको भी पड़ती है, इनको भी सेवा की ज़रूरत है। देखिए, इनका ये कहना है कि यदि इनके सामने कोई बीमार जानवर आ जाता है तो ये उसे ऐसे छोड़ के नहीं चले जाती। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो राह चलते एक्सीडेंट होते में लोगों को, जब लोग घायल हो जाते हैं उनको अनदेखा करके निकल जाते हैं, लेकिन ये इंसान के साथ तो करती हैं। इवन अगर कोई जानवर भी इनको बीमार नज़र आ जाता है तो ये अपने खर्चे पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, उसका टीकाकरण करवाती हैं, उसकी दवाई दिलवाती हैं, उसके बाद वो उन्हें अपने पास रखती हैं। इतना ऐसा नहीं करती कि दवाई दिलवा कर उसे सड़क पर छोड़ दिया फिर मरने के लिए, नहीं, वो उसे अपने पास रखते हैं। मैडम, आपके घर में इस समय, मौजूदा समय में कितने जानवर होंगे? इस समय हमारे पास एक तो ये है पार्वत है और 16 सेक्टर में एक लड़की है शांतनु शर्मा, उसने इसका इलाज कराया और उसके पास जगह नहीं थी इसको रखने की, क्योंकि और भी डॉगी होते हैं उनको होने का डर होता है इन्फेक्शन, तो हमने यहाँ ला के इसको अपने पास रखा, अब ये ठीक है। देखिए, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से एक कुत्ते का बच्चा, जो ये बता रहे हैं कि ये पहले बीमार था, इसका इलाज के बाद इसे यहाँ पर रखा गया है ताकि दूसरे जानवर इन्फेक्टेड ना हो। मैडम, एक चीज़ बताइए, इनकी वजह से क्या कोई आस पड़ोस वाले आपको कभी नहीं कोई? मेरे आस पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, कोई कोई है एक करता है लेकिन वो भी मजबूर होकर बैठ जाता है। इनके आस पड़ोस वाले भी इनके सहभागी हैं, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, कभी उन्होंने भी इस बात के लिए विरोध नहीं जताया, एतराज नहीं जताया कि आपने अपने घर में इतने जानवर की पालक। मैडम, अगर हम अभी, हमें जो सुनने में पता लगा था कि आपके पास कोई नवजात कुत्ते के बच्चे आए थे, अब उनकी क्या कंडीशन? वो अभी ऊपर हैं, कुछ उनमें से मर चुके हैं, 12 पपी थे वो और उसमें से मेरे ख्याल में 3-4 मर चुके हैं। मैम, उनके खाने पीने का आप कैसे मैनेज? फीड देते हैं, दूध देते हैं, बोतल में डाल के निपल से पिलाते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना महान कार्य करते हैं, ये बच्चों, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को निपल के माध्यम से, बोतल के माध्यम से उन्हें दूध पिलाती हैं ताकि उनका पेट भरा रहे। यहाँ पर मैं आपको और भी जानवर दिखाऊंगा। मैडम, एक चीज़ बताइए, आपके घर में भी छोटा बच्चा है, कि आपको डर नहीं सताता कि यदि बच्चे को इनके माध्यम से इन्फेक्शन होता है? देखो, सामने आपके स्वस्थ है, एक्टिव है। लोग कहते हैं ना इन्फेक्शन फैल जाएगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरे पोते उन्हीं में पले हैं, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, एक गया हुआ दिल्ली, एक्टिव है, कोई किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है। एक मुझे कि मेरे साथ इनके पोते हैं जिनका नाम हृदय शर्मा है, मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा, आपको डर लगता है उनसे? नहीं। आप खेलते हो उनके साथ? हाँ जी, खेलता हूँ, लेकिन मम्मा मना करती है, हाथ मत लगा। ठीक है, मम्मा तो आपको प्रिकॉशनरी बोलते हैं ना, क्योंकि आजकल का माहौल खराब है, कोरोना की वजह से बोलती है ना मम्मा। वैसे तो वो आपको कुछ नहीं कहते, आपको काटी करते हैं? नहीं करते। देखिए, छोटे से बच्चे ने बताया कि किस तरह से वो खेलते हैं, लेकिन मम्मा मना करते हैं उसको टच नहीं करना बिकॉज ऑफ कोरोना। इसके अलावा इनके मन में, इनके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिनके मन में ऐसा, इस तरह का कोई एतराज हो कि जानवरों को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इनके घर में आपको जगह जगह पर कुछ जानवर मिल जाएंगे, लेकिन उनका, मैडम, ये जानवर आपस में कभी लड़ाई करते? नहीं, कभी नहीं करते। या आने जाने वाले को? आने वाले जानवर को तो भोगते हैं, उनकी ड्यूटी है, बताते हैं हमें कोई आया है तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड वो आपके लिए काम? हाँ हाँ, बहुत हमारी पूरी गली वाले खुश हैं इनसे, भाई कोई आता है भोगते तो हैं कम से कम। रात को हमारे यहाँ गली में चौकीदार नहीं है, यही चौकीदार है। अब देखिए, जिस तरह से इन्होंने इन जानवरों को पाल रखा है, यही जानवर अभी चौकीदारी का काम भी करते हैं, कि इनकी गली में चौकीदार नहीं है लेकिन वो जानवर
लेकिन वो जानवर अब चौकीदारी का काम करते हैं। आने जाने वाले अनजान आदमियों पर वो जरूर भौंकते हैं, लेकिन गली के जितने भी लोग हैं वो उनकी पहचान के हैं। मैं आपको कैमरे के माध्यम से वो दिखाना चाहूँगा किस तरह से 12 पपीज यहाँ पर आए थे, कोई ने छोड़ गया था, लेकिन उनमें से 3 या 4 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकी ये हैं। इनको इनको भी जो है इनको पिलाया जाता है बोतल के माध्यम से, इनको पिलाया जाता है बोतल के माध्यम से दूध पिलाया जाता है। ये देखिए किस तरह से खुलने खुलने का प्रयास कर रहे हैं, ये किस तरह से इकट्ठे रह रहे हैं। मैडम इनकी ना समय समय पे वैक्सीनेशन भी होती है, वो भी करवाते हैं? हाँ हाँ वो करवाते हैं हम, और सबकी करवाते हैं, जहाँ जहाँ हम खाना देने जाते हैं वहाँ सबकी करवाते हैं। तो मैडम इसके अलावा और कौन कौन सा जानवर आपके पास? और अभी तो यही है, गायें हैं, वो आवारा घूमती है, उनके कान पे जख्म है, उसको दवाई लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा ऐसे ही घूम के ही सेवा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि दानवीरकरण की नगरी करनाल को दानवीरकरण की नगरी इसकी सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर दानवीर राजा करण ने अपने वजन के मुताबिक हर रोज सोना दान किया करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे प्रेरणा लेकर आज भी दान भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। एक ऐसी गाय की सेवा करते हैं जिसके कान पर जख्म है, ये उनके लिए वो भी लगाते हैं, उनके कान पर दवाई भी लगाते हैं, मरहम पट्टी भी करवाते हैं। मैडम इसको जो इनको रखने में किसी तरह की कोई परेशानी आपने कभी पहले महसूस की है? परेशानी तो यही होती है कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो ऐसे पप्पी छोड़ते हैं प्लीज वो ऐसे ना छोड़ें, माँ को भी साथ छोड़ें, क्योंकि माँ के बिना बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, मैं ही समझती हूँ इस दुख को। यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग बोरी में डाल के बच्चे छोड़ जाते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम ऐसा करने से सुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं, वो अपने लिए दुख की कामना कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने हमें कितना भावनात्मक बात कही है कि अगर वो बच्चों को इन छोटे से चाहे वो जानवर हैं इनको बिना माँ के ना छोड़े, क्योंकि बिना माँ के बच्चे को पालना क्या होता है वो एक माँ ही जानती है। माँ के बिछड़ जाने के बाद ही 3 या 4 पपीज अब नहीं रहे इस दुनिया में, बाकी पपीज हैं जिनको अब मीनाक्षी जी उनकी माँ बनकर उनकी सेवा कर रही है। अगर मैं इनको ये कहूँ कि ये इन जानवरों की माँ हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वो सारे काम कर रही है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, अपने बड़े बच्चों के लिए करती है, छोटे बच्चों के लिए करती है। मैडम एक आखिरी सवाल मेरा, सड़क पर जाते समय अगर कोई ऐसा जानवर आपको मिल जाए या कोई अगर आपको कॉल कर दे? हम जाते हैं, हाँ तुरंत जानते हैं, हम सब काम छोड़ के जाते हैं। तो इससे पहले आप कौन कौन से जानवर अपने घर पर रखते? सबसे पहले बछड़े आए जिनकी टांगों पे कीड़े पड़े होते थे, पूंछ पे कीड़े पड़े होते थे, कई बार कमर पे कीड़े पड़े होते थे, इतने बड़े बड़े ऐसे थे बछड़े जिनको देख के लोग डरते हैं और कहते हैं आप कैसे इनको, आपको डर नहीं लगता? नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है उनका जख्म बढ़ ना जाए और जिससे उसकी डेथ हो जाती है, ये डर लगता है मुझे, वो डर नहीं लगता। देखिए इनको जानवरों की बीमारी से डर नहीं लगता बल्कि इस बात से डर लगता है कहीं अगर उनकी देख रेख में कमी रह गई और उनका जख्म बढ़ गया और कहीं ना कहीं अगर उनको मृत्यु हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वो इनके लिए सबसे बड़ा दुख, वो इनके लिए सबसे बड़ा दुख का समय होगा। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूँ कि एक माँ जो अपने बच्चों को पालती है वो किसी भी तरह का कष्ट अपने बच्चों को नहीं देना चाहती और ना ही वो उनको दुखी देखकर राजी है। कुछ इस तरह से ही करनाल में रहने वाली मीनाक्षी जी ऐसे बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही हैं और इनका ये भी कहना है कि इन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि भगवान ने अगर हमें छत दिया तो उनका छत लेना उनका भी अधिकार है। मैडम एक चीज़ बताइए, अभी अभी हमें जैसे पता लगा कि इसको सजा मिली हुई है, इसको किस सजा दी? सजा इसी बात की है कि क्योंकि देखो अननोन कोई भी आ रहा है उसको भोंक रहा है, ये बात कर रहा है, तो उससे क्या होता है जो अननोन लोग होते हैं ना वो ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर अगर डरते भी हैं बाइट ना कर ले। और दूसरा क्या है कि हमारे तो घर में है जो आसपास के जो पेट्स हैं उनसे भी प्रॉब्लम है, वो अगर बाहर अगर घुमा रहे हैं तो तब भी ये भौंकना शुरू कर देता है, तो उसी करके होता है कि आप इसको अंदर मतलब तो आसपास के जितने भी नेबरहुड में हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो सेफ रहें आसपास भी, क्योंकि क्या है छोटे बच्चे भी अगर बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं घूम रहे हैं तो बच्चों को डर लगता है, तो इस करके हम इसको टाई करके रखते हैं। मोती, मैं आपको बता दूं, देखिए आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ये मोती है, इसे बांधा इसलिए गया है, इसे बांधने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसको सजा मिली है, ये अनजान लोगों पर भौंकता है बच्चों से। अच्छा आप इनकी सेवा कैसे करते हैं? इनकी सेवा, इनको खाना देते हैं, इन्हें सब जगह इनकी दवाई करते हैं हम, इनकी देखभाल करते हैं और इन्हें
टीका भी लाते खुद ही। लोग जानवरों के पास आने से डरते हैं, खासकर कुत्तों, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, कुत्ते काटते हैं, हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे। आपको किस तरह से कोई डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। कितने सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं? मैं जब 3 साल की थी तब से इनके साथ ही हूँ। आपका नाम क्या है? कविता। देखिए, ये हमारे साथ कविता जी थे, कविता जी हैं जो इनकी केयर टेकर है, जिनका ये कहना है कि जिन लोग जानवरों से डरते हैं, लोग कुत्तों से खासकर डरते हैं, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़ते हैं, कुत्ते भागते हैं और काटते हैं तो डर लगता है कि इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। लेकिन ये जब से मात्र 3 साल की थी, 3 साल से ये इनकी सेवा में जुटी हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि आज ये कविता 18 साल की थी, पिछले 15 वर्ष से ऐसे कई जानवरों की जान बचा चुकी है, कई कुत्तों के जन। और मैं एक और हमारे साथ हैं, आप कैसे इनकी सेवा करते हैं? मैं तो बचपन से ही करते हैं। इनके क्या क्या करते हैं? इनके जख्म भरना, इनका इलाज करना, डॉक्टर के पास ले जाना, और कोई भी गड्डी वाले मरते हैं उसके साथ भी सही तरीके से पेश आते हैं, भाई इनको ध्यान से गाड़ियाँ चलाओ, अनजे अनजान है, बेजवान है, इनको गाड़ियाँ से ना मारो, कल ना कोई भी आपको भी ऐसे चोट दे जाए तो क्या दुख होगा। आपका नाम क्या? संदीप। आप कितने सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं? मेरा बचपन से ही है, शौक है। संदीप जी हैं, मैं आपको बता दूं कि कितनी बड़ी बात इन्होंने हमारे सामने पर रख दी। अगर कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला जाता है तो उस गाड़ी वाले को कहते हैं कि कृपया इस तरह का काम ना करें, क्योंकि अगर आज आपने गाड़ी को टक्कर मारी है तो कल आपको गाड़ी के माध्यम आपकी गाड़ी से ये घायल होगा, ये बेजुबान है, ये कुछ बता नहीं सकता अपने बीमारी के बारे में, तो आपके साथ भी कल कोई ऐसा वाकया ना हो जाए, इसके लिए आप कृपया अपनी गाड़ी को आराम से चलाएं, गति से ना चलाएं, और इन बेजुबानों पर खास ध्यान रखें। अगर ये सड़क पार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनकी नज़रें भी ये भी देख सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी गलती से ऐसा कोई वाकया घटित ना हो जिससे इन बेचारों को, बेजुबानों को चोट ना लगे। और ये संदीप जी हैं, इनका ये कहना है कि ये ऐसे काम करते हैं जिनको करने से बड़े बड़े लोगों की रूह कांप जाती है। एक जख्मी आदमी के पास इंसान भी नहीं जाता, लेकिन ये जख्मी जानवरों का इलाज करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी की पूरी टीम है, ये पूरी की पूरी टीम कह सकता हूँ मैं, जो पिछले कई साल जिसमें मात्र 6 साल का एक 6 साल का बच्चा भी इस टीम का सदस्य है, ये पूरे के पूरे लोग, पूरी टीम है। मैडम, और कौन है आपके साथ? हमारे साथ दलजीत शाही हैं, एक लड़की हैं, और भी हैं, मिनल खुराना, वो सब हमारे साथ हैं। ऐसे ही हम सबको रोटियां देते हैं, सब आपस में बांट के इधर उधर डोगियों को बांटते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि पूरी, देखिए इनकी पूरी टीम है, ये देखिए भाई, ये इनके लिए खाने का भी है, ये इनके लिए खाने का भी है। देखिए ये इनका, मैं आपको देखिए, प्रतिदिन 1000 से अधिक डॉगीज को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है इनकी टीम के माध्यम से। और यह खाना कहाँ से आता है ये मीनाक्षी जी अभी खुद बता देंगे। मैम, ये सारा ये खाना हमें महाराज जी की तरफ से मिलता है, निर्मल कुटिया से, वो हमें सेवा देते हैं। वो ये कहते हैं, अगर कम पड़ जाए ना बेटा, आप निराश मत होना, और ले लेना रोटी। देखिए, अब आप मैंने आप मैं देखिए ऐसा है, इनकी पूरी की पूरी टीम है, करनाल के निर्मल कुटिया इनके साथ है, जो जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान या वैसे भी वहाँ पर 24 घंटे गरीबों के लिए, जो ऐसे लोग जो कि लाचार हैं, जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वहाँ पर वो खाना खा सकते हैं। अब वो तो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी सेवा में जुटे हैं। समाचार एक्सप्रेस की टीम, पूरी टीम, ऐसी पूरी टीम जो कि बेजुबान जानवरों की सेवा में जुटी है, उनको सैल्यूट करती है, और साथ ही साथ दूसरे लोगों से भी अपील करती है कि वो भी इस मुहिम में आगे हैं और बेजुबान जानवरों की रक्षा में सहयोग दें, क्योंकि ये बोल नहीं सकते लेकिन समझ सब सकते हैं। भगवान ने अगर इन्हें जबान नहीं दी तो इन्हें समझने की शक्ति जरूर दी है, सुनने की शक्ति जरूर दी है, चलने की शक्ति जरूर दी है। कृपया कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इन बेजुबानों को, जिनसे इन बेजुबानों के दिल को कोई चोट लगे या इनको कोई जख्म भले। एक हांजी मैडम, हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बड़ा काफ़ी सहयोग मिला है। कोरोना में सबको रोक रहे थे लेकिन हमें उन्होंने नहीं रोका, खाना देने से हमें और मदद की है हमारी, इसके लिए हमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं इनसे नफरत करते हैं, पता नहीं मुझे ये समझ आया नफरत करते क्यों हैं, जबकि ऐसा कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, और मेरे को यही चाहती हूँ कि ये प्यार करें इनसे, नफरत ना करें। देखिए, सारी बातचीत आपने देखी, बातचीत आपको सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी। मैं फिर एक बार इनको सैल्यूट करता हूँ, इनकी पूरी टीम को जो इन बेजुबानों की सेवा में लगी है, मात्र 6 साल के बच्चे से लेकर मीनाक्षी जी जो जब लोगों 27 वर्ष की थी, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनको वो मिले जानवर जो कि बारिश में भीग रहे थे, किस तरह से इन्होंने उनकी
ऊपर छत रखी, छत मीन्स छतरी रखी थी, तब से लेकर अब तक ये इन बेसहारा और बेजुबान जानवरों के लिए आसरा बनी हुई हैं। इनको खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाता है, और साथ ही साथ इनकी लोगों से भी अपील है कि इनसे इनसे कोई भी नफरत ना करे, क्योंकि ये काटते नहीं हैं, ये किसी के लिए भी घातक सिद्ध नहीं होते अगर जब तक इनको छेड़ा ना जाए। और जो संदीप जी ने हमारे को कहा, संदीप जी ने हमें बताया, मैं उस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि खासकर गाड़ी वाले जो इन बेजुबानों को टक्कर मारकर निकल जाते हैं, उनकी संदीप जी की तरफ से अपील है कि वो इनको गाड़ी को देखकर चलाएं, क्योंकि ये ना हो कि कल को ऐसा कोई वाक्य उनके साथ घटित हो जाए और उन्हें भी अपने जख्मों पर मरहम लगवाना पड़ जाए, क्योंकि इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए संदीप जी हैं। और आज की इस दुनिया में जब इंसान इंसान के जख्मों पर मरहम नहीं लगाता, तो ये पूरी टीम ऐसे बेजुबानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिन हो या रात हो, कोई भी इनको कॉल करके इनसे बात कर सकता है, और जहाँ पर भी जाना पड़ता है स्वयं अपने खर्चे पर वहाँ जाकर उनकी सेवा करते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।